वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आपने टिकटॉक पे ट्रांजिशन वाली वीडियो देखी होगी। बहुत सारे ट्रांजिशन होते हैं, मल्टीपल ट्रांजिशन, क्लोज ट्रांजिशन। जो ज़्यादातर यूज होते हैं वो होते हैं क्लोज ट्रांजिशन। आपने हार्दिक शर्मा को तो देखा होगा, हार्दिक शर्मा अपनी हर वीडियो के अंदर ट्रांजिशन इफेक्ट डालते हैं। अब ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि आप एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाते हो। तो ट्रांजिशन वाली वीडियो बहुत ही ईजी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ट्रांजिशन वाली वीडियो बनाने सिखाई जाए। तो आज मैं आपको दो तरीके से ट्रांजिशन वाली वीडियो बनाना सिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि और मैं ऐसी ट्रांजिशन वाली वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम आईडी मेरी ये है, ठीक है। तो चलो अपन ऐसी वीडियो बनाते हैं और टिकटॉक पर पोस्ट करते हैं। अब इसके लिए आपको काइन मास्टर ऐप की तो ज़रूरत पड़ेगी, आप सभी के पास होगा। अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी आप मुझे कमेंट कर देना, कमेंट नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं आपको काइन मास्टर का लिंक दे दूंगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल कैमरे को ओपन कर लेना है। जैसे मान लो मैंने ये वाला देखो कैमरे को ओपन कर लिया। अब कैमरे को ओपन करने के बाद आपको बैकग्राउंड में म्यूज़िक ऑन कर देना है। अब दूसरा मोबाइल ले लेना, दूसरे मोबाइल में आपका जो सॉन्ग है, जिस भी सॉन्ग पर आप एक्ट करना चाहते हो, तो आप वो सॉन्ग को सिलेक्ट कर लो, बैकग्राउंड में उसको बजा दो, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देना है। तो यहाँ पर देखो ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना है आपको, और स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देंगे बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसे एक्टिंग कर लेनी थोड़ी बहुत। एक्टिंग करने के बाद आपको हाथ को ऐसे मतलब लगना नहीं चाहिए, आपने हाथ पीछे रख रखा है, और यूं करने के बाद आपको हाथ को यूं ले जाना है, ठीक है। यूं करने का ऐसे ले जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में बना लेता हूँ, फिर सेकंड वीडियो अपन बनाते हैं, ठीक है। तो गाइस, फर्स्ट वीडियो शूट करने के बाद आपको सेकंड वीडियो को शूट करना है। सेकंड वीडियो कैसे शूट करना है, तो आपने फर्स्ट वीडियो आपने यूं किया था यूं करने के बाद, ठीक है। अब आपको सेकंड वीडियो में क्या करना है, आपको कपड़े को चेंज कर लेना है। कपड़े चेंज करने के बाद चश्मा पहनना चाहो तो चश्मा भी पहन लेना। उसके बाद आपको करना क्या है, कैमरे के सामने ऐसे हाथ रखना है, ठीक है, यूँ हाथ रखना है, और आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। देखो, स्टार्ट करने के बाद आपको करना क्या है, ऐसे हाथ लाना है, यूँ करने के बाद ऐसे यूँ लाना है, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए आपने गर्दन हाथ में ले रखी है, ठीक है। तो चलो मैं ऐसी वीडियो बना लेता हूँ। स्टार्ट कर दिया मैंने, स्टार्ट करने के बाद मैं इसको बनने के बाद ठीक है, बस आपको इतनी एक्टिंग कर लेनी है। और आपको अब क्या करना है, इस वीडियो को आपको ऐसे करके इसको सेव कर लेना है गैलरी में, ठीक है। अब गाइस, अपन नेक्स्ट वीडियो को एडिट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो को एडिट करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको वही कैमरे के अंदर आना है। कैमरे के अंदर आने के बाद आपको बैकग्राउंड में म्यूज़िक को चला लेना है। अब बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलाने के बाद आपको करना क्या है, आपको एक्टिंग करनी है। एक्टिंग कैसे करनी है, तो यहाँ पर आप थोड़ी ऐसे एक्टिंग करना है। उसके बाद आपका जो हाथ है ना, उसको ऐसे पकड़ना है, और ऐसे पकड़ने के बाद इसको ऐसे लाना है, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा मत लाना, बस थोड़ा बहुत ही लाना, ठीक है, और धकेल देना, बस इतना आपको शूट करना है। तो चलो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, और स्टार्ट करने के बाद एक्टिंग जैसे भी आपको एक्टिंग करनी है वैसे आप कर लो। उसके बाद धकेलना ऐसे, यूँ करने के बाद यूँ ऐसे धकेल दो, बस बहुत है, इतना आपको कर देना है, ठीक है। अब गाइस, आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट आपको एडिट करना है। अब नेक्स्ट पार्ट एडिट करने के लिए आप करोगे क्या, ऐसे आपको हाथ को देखो, यूँ हाथ को ऐसे लाना है, ठीक है। ये इतना हाथ आपका रहना चाहिए, आप दिखना नहीं चाहिए। और दिखने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे हाथ को ही लाना है, और यूँ आगे ऐसे आ जाना है, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट वीडियो पर करता हूँ, और इसको एक्टिंग करता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरा हाथ आ रहा है, अब इतना आपको हाथ लाना है। उसके बाद ऐसे करने के बाद, ठीक है, आपको ऐसे कर लेना है। यहाँ पे बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है मेरी। तो चलो अपन अब इस पार्ट को अपन एडिट कर दें, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर अपन एक एक करके वीडियो को एडिट करेंगे, ठीक है। अब एडिट करने के लिए हम काइन मास्टर का यूज करेंगे। अब काइन मास्टर में आने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, और बीच वाला पोर्ट्रेट मोड हम ले लेंगे। उसके बाद हम करेंगे क्या, मीडिया पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम पहले फर्स्ट वाली वीडियो लेंगे जो हमने बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वीडियो ये वाली बनाई थी, फर्स्ट हमारी ये, और उसके बाद सेकंड ये, ठीक है। हम पहले ये वाली वीडियो एडिट करेंगे, उसके बाद सेकंड वाली वीडियो एडिट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम पहले ऐसे जूम कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे आप जूम कर लेना, उसके बाद आप वीडियो को ऐसे चलाना। चलाने के बाद जहाँ पर ये हाथ को देखो इस वाली पोजिशन पर लाता है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रुक जाता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा हमको पीछे जाना है, थोड़ा पीछे जाना है, इतना पीछे जाना है कि यहाँ पर हमारा बीच में बस सर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे हमको रुक जाना है, ठीक है। रुक जाने के बाद आपको करना क्या है, वीडियो पे क्लिक करना है, सीजर पे क्लिक करना है, और आपको ट्रिम टू राइट कर देना है, ठीक है। अब ट्रिम टू राइट मैंने कर दिया, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाली पार्ट, नेक्स्ट वाली लेयर पर, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली लेयर पर हम चलाते हैं इसको, और जहाँ पर ये हाथ को नीचे लाता है, देखो यहाँ पर ये इस वाली पोजिशन पर हाथ को नीचे लाता है। तो
तो थोड़ा सा हम पीछे लेंगे, और पीछे लेने के बाद जहाँ पर ये हाथ को नीचे लाता है, देखो यहाँ से नीचे ला रहा है, थोड़ा सा और आगे ले लेंगे हम यहाँ से। आप देखो यहाँ से ये हाथ को नीचे ला रहा है, तो वीडियो पे क्लिक करना, सीजर पे क्लिक करना, उसके बाद आप ट्रिम टू लेफ्ट कर देना। देखो आप ट्रिम टू लेफ्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद आप एक बार चला के देख लेना, अगर आपके गड़बड़ हो तो आप ट्रिम कर करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको चलाता हूँ, तो यहाँ पर देखो हाथ थोड़ा स्लो ला रहा है, स्लो ला रहा है ना, तो उसको हम थोड़ा सा और कट करेंगे, तो इसको हम ट्रिम टू लेफ्ट वापस इतना कट कर देंगे, ठीक है, इतना ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। उसके बाद हम वापस वीडियो को चलाएंगे, और वापस चलाने के बाद वापस हम देखते हैं हमारी वीडियो कैसी बनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम अच्छी बनी हमारी वीडियो। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको इस वाली वीडियो पर क्लिक करना है, और जहाँ तक आपकी वीडियो को रखना है वहाँ तक आप रख लो, और उसके बाद आप वीडियो को इतना ट्रिम कर लो, ठीक। उसके बाद आपको सॉन्ग को ऐड करना है, तो आप सॉन्ग भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर इस वाली आगे वाले पार्ट से हम थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे, जहाँ से ये इतना आता है, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ से हमको सॉन्ग को ऐड करना है, तो आप ऑडियो पर क्लिक करके सॉन्ग को ऐड कर सकते हो, या फिर आप जिस सॉन्ग पर आपने वीडियो बनाई है लेयर पर क्लिक करके, मीडिया पर क्लिक करके उस वीडियो को आप यहाँ पर ले लो। जैसे मान लो मैंने ये वाली वीडियो ले ली, ठीक है, उसके बाद सीजर पे क्लिक करके एक्स्ट्रैक ऑडियो में कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, ये साउंड यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देखो आप नीचे ऐड हो चुका है। उसके बाद ये वाली वीडियो का कोई काम नहीं है, इसको आप डिलीट कर दो। अब यहाँ पर आपका सॉन्ग भी लग चुका है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस सॉन्ग के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना है, ठीक है, और इसको ट्रिम कर देना है इसके सॉन्ग के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको इस आइकन पर क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को बंद कर देना है, और आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम मैं आपको सेकंड वाला पार्ट एडिट करके दिखाता हूँ, पहले आप ये वाली वीडियो देख लो। तो ये वाली वीडियो देखो इस टाइप से आया, और ये हार्ड ट्रांजिशन, मतलब बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन हुआ। उसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट वाले वीडियो पे। नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए वापस हम आगे काइन मास्टर ऐप के अंदर अब प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, वापस वही काम करेंगे 9:16, मीडिया पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम अब दूसरी वीडियो को लेंगे जो वीडियो हमने एडिट की है। तो यहाँ पर देखो ये वाली वीडियो थी, वो फर्स्ट ये थी, उसके बाद सेकंड ये वाली थी, ठीक है। तो हमने दोनों वीडियो को यहाँ पे ले लिया, मैं एक बार आपको प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो ये हाथ को इस टाइप से लाएगा, यहाँ पर ये देखो इस वाली पोजीशन पे रुक जाता है। उसके बाद सेकंड वाली वीडियो है, सेकंड वाली वीडियो में हाथ को ऐसे लाता है और ये आगे आया था, ठीक है। अब इसको भी हमको ट्रिम करना है, ठीक है, तो हम ट्रिम करेंगे। चलो ट्रिम कर दें, तो इसको हम ऐसे जूम कर लेंगे, ठीक है, और जूम करने का इसको हम चलाएंगे। अब चलाने के बाद जहाँ पर ये हाथ को देखो यहाँ पर आता है, ठीक है, ज़्यादा आप हाथ को आगे मत ले जाना, जैसे ये ले जा रहा ना, ये देखो इतना, तो आपको बस इतना ही लेना है, थोड़ा सा पीछे ले जाना है ये यहाँ पर, ठीक है, इस वाली पोजिशन पर हमको रुक जाना है। उसके बाद हम करेंगे क्या, वीडियो पर क्लिक करेंगे, सीजर पर क्लिक करके और ट्रिम टू राइट कर देंगे, ठीक है। इसको हमने ट्रिम टू राइट कर दिया, उसके बाद सेकंड वाली लेयर को चलाएंगे, और जहाँ पर ये देखो ये हाथ को ये यहाँ से आगे आता है, ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे लेंगे हम, थोड़ा सा पीछे यहाँ पर रुक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर रुक जाने के बाद वीडियो पर क्लिक करेंगे, सीजर पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे इस बार, ठीक है, तो ट्रिम टू लेफ्ट कर दिया। उसके बाद हम वापस वीडियो को चलाते हैं, अगर आपकी गड़बड़ी हो जाती है तो आप ट्रिम कर लेना, ठीक है, तो आपकी वीडियो एकदम परफेक्ट बनेगी। अब यहाँ पर आप देखो एक बार इसको मैं चलाता हूँ, तो देखो थोड़ा सा गलती हो रही है, तो इसको हम थोड़ा सा इतना ट्रिम कर लेंगे, ठीक है, इतना हम ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम वापस चलाते हैं, ठीक है, अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, एकदम परफेक्ट बनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे क्या, यहाँ पर आप देखना इस वाली पोजीशन से हम स्लो मोशन दिखाएंगे, ठीक है, तो वीडियो पर क्लिक करेंगे, सीजर पर क्लिक करके स्पीड एट प्ले हिट कर देंगे। उसके बाद हम वापस ये वाली वीडियो पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जो हमको स्लो मोशन दिखानी है, स्पीड कंट्रोल पर जाएंगे, स्पीड को 0.25 या 25 के 0.5 के बीच में रख देंगे, ठीक है। अब आपको मैं वीडियो एक बार चला के दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो बहुत ही मस्त वीडियो हमारी बनी है। तो देखो अब ये स्लो मोशन भी इसमें ऐड हो चुका है। उसके बाद आप जहाँ तक आपको वीडियो रखनी है वहाँ तक रखो, ट्रिम टू राइट कर दो, ठीक है। उसके बाद आप इसको भी थोड़ा सा एडिट कर लेना, हाथ थोड़ा इतना लाता है, ठीक है।
आपको हाथ की पोजीशन ध्यान रखनी है और आपकी ये जो फर्स्ट वाली लेयर है इसकी पोजीशन भी आपको याद रखनी है। उसके बाद आप लेयर पे क्लिक करो, मीडिया पे क्लिक करो और यहाँ पर आपको सॉन्ग को ऐड करना है तो मैंने आपको बता ही दिया वो क्या करना है। आपको लेयर पे क्लिक करके वीडियो को लाओ, सीजर पे क्लिक करके एस्ट्रैक ऑडियो कर दो। अब सॉन्ग यहाँ पर आ गया, वीडियो का कोई काम नहीं, डिलीट कर दो। अब यहाँ पर मैं आपको सॉन्ग सुना नहीं सकता हूँ कॉपीराइट की वजह से, इसलिए आप समझ सकते हो। तो इसको हम एक बार प्ले कर लेते हैं। प्ले करने के बाद हमारी वीडियो कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी वीडियो एकदम परफेक्ट बनी है और सॉन्ग भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे, ऑडियो फिटआउट को बंद करके इस वीडियो को भी इसके अकॉर्डिंग, सॉन्ग के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब एक्सपोर्ट करने के बाद अब आपको मैं दोनों वीडियो यहाँ पर आपको प्ले करके बता देता हूँ कि हमारी वीडियो किस टाइप की बनी है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो इस तरीके से आप जो है अपनी वीडियो के अंदर ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो लेके आ जाऊँगा ट्रांजिशन वाली। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।